नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। जीएसटी के तहत राज्य से बाहर माल परिवहन के लिए आज से उत्तराखंड सहित देश भर में ई वे बिल लागू। प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने पर लागू नहीं होगा ई वे बिल। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा, राज्य में केंद्र की मदद से चलने वाले 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नहीं किया जाएगा बंद। राज्य सरकार करेगी इन केंद्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति। गंगोरी में ऐसी गंगा पर गंगोत्री राजमार्ग को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटा। वैकल्पिक व्यवस्था में जुटे बीआरओ के जवान, जांच के निर्देश जारी। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी पर्व की शुभकामनाएं। कहा, प्रेम, सद्भावना, करुणा और एकता का संदेश देता है ये पर्व। और अब खबरें विस्तार से। 1 अप्रैल यानी आज से उत्तराखंड सहित पूरे देश में ये बिल अमल में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर आपके जहन में कई तरह के सवाल होंगे। आइए जानते हैं क्या खास है इस बिल में। आपको बता दें कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा के कंसाइनमेंट को अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी होगा। आप वेबसाइट पर जाकर के बड़े आराम से ही ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि जो सरकार की जो वेबसाइट है यानी कि ewebill.gst.gov.in पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और लॉग इन करके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है कि ई वे बिल gst.gov.in पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दबाना है यहाँ पे, और जैसे आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे आपका GSTIN नंबर मांगा जाएगा। 15 डिजिट का आप GSTIN नंबर डाल सकते हैं, जिसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। और जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ये आपसे लॉगिन करने को कहेगा, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करके या यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे काम नहीं करना चाहते तो आप मोबाइल पे अपने जो प्ले स्टोर के माध्यम से यानी कि जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं प्ले स्टोर के माध्यम से भी ई वे बिल को प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस ई वे बिल की ऐप को खोल सकते हैं। ये ई वे बिल की ऐप बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे अगर लॉगिन करते हैं वैसे आप ई वे बिल में यहां अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं अपना GSTIN नंबर डालने के बाद में। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये आती है कि अगर आप ट्रेडर हैं, डीलर हैं या फिर ट्रांसपोर्टर हैं और अपना सामान अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं तो आपको एक सिंगल जो ई वे बिल है उसको जनरेट करने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी भी माल सामान को भेजने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए अगर मल्टीपल यानी एक से ज्यादा ट्रेडर्स या फिर डीलर या ट्रांसपोर्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ई वे बिल अगर है तो आपके जहन में कई सारी क्वेरीज होंगी, कई सारे सवाल होंगे, तो बड़ा आसान है। ट्विटर पे कई सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं वो सरकार ने रिलीज किए हैं, यानी कि @askgst_goi पे आप जाएंगे तो हमें कई सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं कि ई वे बिल जनरेट करना किसको जरूरी है, कितने तक ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। इस तमाम चीजों की जानकारी काफी विस्तृत मात्रा में इस ट्विटर हैंडल पे जो कि @askgst_goi पे दी गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज या फिर उलझन है तो यहाँ पे आप जाकर के सुलझा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ई वे बिल जहाँ एक तरफ पारदर्शिता को बढ़ावा देगा तो दूसरी तरफ जो माल सामान की जो आवाजाही है एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर उसमें भी काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी। कैमरा पर्सन अच्युत रंसाऊ के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज दिल्ली। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि राज्य में केंद्र की मदद से चलने वाले 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। रामनगर में उन्होंने कहा कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य सरकार के माध्यम से चिकित्सकों की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही जिला चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा NHM के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद दी जाती है। राज्य सरकार की भी इसमें मैचिंग ग्रांट रहती है। श्री पंत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी चिकित्सालय सुचारू रूप से चले और अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। हमारी सरकार ने ये प्रयास प्रारंभ किए हैं कि हम इन दो स्तर जो हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और CHCs
इनको राज्य सरकार के माध्यम से जो हमारे चिकित्सालय हैं, चिकित्सक हैं, उनको यहाँ पर आपूर्ति उनकी करेंगे और जिला चिकित्सालय में भी हम पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की आपूर्ति करें। जहाँ तक रहेगी फंडिंग पैटर्न की, तो NHM के माध्यम से हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए और तथा शहरी क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए उनके माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है और राज्य सरकार की मैचिंग ग्रांट होती है। हमारा प्रयत्न है ये सारे के सारे चिकित्सालय सुचारू रूप से चलें। उत्तरकाशी के गंगोरी में 80 गंगा पर गंगोत्री राजमार्ग को जोड़ने के लिए बनाया गया वैली ब्रिज ओवरलोड वाहन के गुजरने से आज दूसरी बार धराशाही होकर 80 गंगा में गिर गया। वैली ब्रिज टूटने से 80 गंगा घाटी समेत ऊपरी गंगा घाटी में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है। जिला प्रशासन और BRO फिलहाल वैली ब्रिज गिरने के बाद गंगोत्री राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू करने के लिए 80 गंगा पर वैकल्पिक रास्ता तैयार करने में जुट गया है। उधर स्थानीय लोगों ने ब्रिज निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं वैली ब्रिज टूटने के बाद प्रशासन और BRO के सामने आगामी 18 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा तक 80 गंगा पर नया वैली ब्रिज तैयार करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस बीच BRO के कमांडर सुनील श्रीवास्तव का कहना है कि पुल क्षमता से अधिक लोडेड वाहनों के गुजरने से टूटा है, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। ट्रैफिक के लिए अल्टरनेट तो हम लोग आज रात तक कर देंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था, इस तरह से हम लोग टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर देंगे। नए वाले पुल को अभी हम लोग जिस तरह से पहले बनाए थे उस तरह से नहीं, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथन का बनाएंगे। जैसे अभी डबल वो था, डबल डबल का स्पेसिफिकेशन था, अभी हम ट्रिपल डबल बनाएंगे। पहले ये था कि शायद इससे वो हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी ट्रिपल डबल बनाएंगे। आगामी 18 से नहीं, वैली ब्रिज नहीं, लेकिन यहाँ पर ही हम लोग चौड़ा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 18 तक, लेकिन मुझे कम से कम 25 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा सर, क्या कारण है सर? मुझे इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा किसी उससे करके, अपने एक्सपर्ट से बुला के, ब्रिज एक्सपर्ट से बुला के, कि क्या कारण था जिसके कारण इतना जल्दी गिर गया। बिल्कुल स्थानीय जनता के कंसर्न जायज है कि 3 महीने में पुल नहीं गिरना चाहिए था, क्यों गिरा उसके कारणों की हम जाँच कराएंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण हो सकता है, पुल इसमें तकनीकी खराबी आई है जिस कारण से पुल टूटा है। वास्तव में क्योंकि यात्रा सीजन अभी एक लगभग 15 दिनों के 2 सप्ताह के बाद यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, तो प्रशासन को चाहिए कि अति शीघ्र यहाँ पे स्थायी पुल का निर्माण करें ताकि यात्रा सीजन में इसका प्रभाव न पड़े और स्थानीय जनता के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था अति शीघ्र शुरू हो जानी चाहिए ताकि आम जनमानस को तकलीफों का सामना न करना पड़े। कहीं ना कहीं जो एक लग रहा है कि इसका पुल का स्पान भी ज़्यादा लंबा था और कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से इसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहेंगी जिस कारण से 3 महीने में गिर पड़ा है। चाह रहे थे हम पाली तरफ जाएं, तो जब तक हम पुल के नज़दीक पहुंचे तब तक ट्रक बैक हो गया और देखा पुल मुड़ गया नीचे। पहाड़ियों के लिए और हम उत्तरकाशी जिले के युवाओं के लिए बहुत शर्म का विषय है ये। 6 महीने में आपके 2 पुल टूट रहे हैं और आप यहाँ ट्रेन की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, हमारे लिए नहीं चाहिए वो व्यवस्था। हमारे पुलिया अगर अच्छे ढंग से बना दें आप तो बहुत बहुत बड़ा एहसान रहेगा हमारा सरकार के ऊपर। क्या व्यवस्था की अभी तक 6 महीने में आपने एक पक्के पुल की व्यवस्था नहीं कर पाई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हल्द्वानी के इतिहास में गौरवशाली दिन जुड़ गया है। यहाँ उत्तराखंड में अब तक का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। नगर निगम में शहीद स्मारक स्थल पर 155 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने किया। मेयर जोगेंद्र रौतेला, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, विधायक बंशीधर भगत सहित सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। पिछले 2 साल में मिशन तिरंगा को लेकर परिवर्तन एक संकल्प संस्था द्वारा तिरंगा लगाए जाने के लिए कार्य किया जा रहा था। इस मौके पर सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने नैनीताल जिले के आजादी से लेकर अब तक विभिन्न सेनाओं, अर्धसैनिक बलों व पुलिस के शहीद जवानों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए 155 फीट के तिरंगे को लहराया। इस दौरान पूरा शहर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। श्री कोश्यारी ने कहा कि आज हमारे लिए ये बहुत बड़े गौरव का दिन है जब प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा हल्द्वानी में लहराया जा रहा है।
हमारी चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सौभाग्य से यहाँ जो नगर निगम के मेयर हैं वो भी बीजेपी के हैं। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। मैं सोचता हूँ कि इतने वर्षों के बाद इस प्रकार का काम हुआ है और एक स्वयंसेवी संगठन परिवर्तन एक संकल्प ने इस अभियान में आगे आए और यहाँ के मेयर और यहाँ के पूरी हमारी महानगर पालिका ने एक प्रकार का सुंदर इस प्रकार का प्रयत्न किया है। मैं सोचता हूँ कि ये हल्द्वानी नहीं पूरे कुमाऊँ उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक चीज़ हो रही है और इससे न केवल हमारे पूर्व सैनिकों से प्रेरणा लेंगे लोग बल्कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनसे भी लोग प्रेरणा लेंगे। जो जो लोग इस स्थल पर भ्रमण करेंगे वो भविष्य में देश के लिए मर मिटने के लिए और अपने स्वार्थों को त्याग करके देश को सर्वोच्चता देने के लिए प्रयास करेंगे। डोईवाला के भानियावाला में गोकुल सोसाइटी की ओर से आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसाइटी पिछले कई सालों से मेडिकल कैंपों का आयोजन कर रही है। इसकी सचिव मधु मैखुरी स्वयं पोलियोग्रस्त है लेकिन वे जन सेवा में लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने शिविर का निरीक्षण कर लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कैंप में गुड़गांव के हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाइयों का वितरण किया। वो निराशा नहीं लाई उनके जीवन में। रोज लगातार 2003 से मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम तरह से जन सेवा में लगी हुई हैं। स्वास्थ्य शिविर हैं, योग शिविर हैं और तरह तरह की गतिविधियाँ वो सामाजिक गतिविधियाँ में वो लगी रहती हैं। गोकुल सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड बहुत ही एक मेगा हमारा हेल्थ शिविर यहाँ पर लग रहा है जिसमें कि सभी काफ़ी सारी सुविधाएं हम लोग निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। ये शिविर जो है इसमें आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव नई दिल्ली से 6 चिकित्सकों की टीम यहाँ पर हमारे मध्य उपस्थित है जिसमें कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, IENT गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इवन जा रहे हैं और NIVH की तरफ से यहाँ पर आर्टिफिशियल जो एड अप्लायंसेज लाइक चश्मे हैं, बैसाखियाँ हैं, ये सब भी वितरित किया जा रहा है हियरिंग और गोकुल आर्टिफिशियल केंद्र की तरफ से यहाँ पर व्हील चेयर और आपका अन्य जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कमर पेटी है। बागेश्वर में सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन दिनों यहां पर्यटन और धार्मिक स्थल बंगाली और गुजराती पर्यटकों से गुलजार है। सैलानी बाबा बागनाथ की नगरी के साथ ही कौसानी और बैजनाथ की हसीन वादियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बंगाल और गुजरात से आए सैलानी बागनाथ मंदिर के दर्शन करने के साथ ही सरयू और गोमती के संगम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। शिव भगवान को समर्पित बागनाथ और बैजनाथ एक प्राचीन मंदिर है। बैजनाथ मंदिर गोमती के तट पर और बागनाथ मंदिर सरयू व गोमती नदियों के संगम पर है। इन मंदिरों की धार्मिक मान्यता के साथ ही इनकी नकाशी काफी प्रभावशाली है जिस वजह से गर्मियों में बाहर से पर्यटक यहां दर्शन के लिए आते रहते हैं। बंगाल और गुजरात से आए पर्यटकों ने मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर समूह के शिल्प को देखा। पर्यटकों का कहना है कि वो पहले भी उत्तराखंड भ्रमण पर आ चुके हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। हसीन वादियां पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। अभी हम बागनाथ में खड़ा है। बागनाथ बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। हमको देखने को बाद हम लोग आत्मा खुश हो जाते हैं यहाँ पर। कि पूजा वूजा करने का जो पद्धति है यहाँ बहुत बढ़िया है। कि हम डायरेक्ट शिव को पूजा करने सीखते हैं, इसके चलते हमारा मन में खुशी आ जाती है। हम बागनाथ में कम से कम 6-7 बार आ चुके हैं। हमारा हमेशा आने का दिल चाहता है जो यहाँ का शिव का पूजा करने। वनाग्नि चारधाम यात्रा और मॉनसून के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो इसके लिए टिहरी गढ़वाल आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही आपदा से जुड़े विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि विभाग ने लकड़ी कटर, कंक्रीट कटर, चेन पुली, बरसाती वाटरप्रूफ जैकेटें और हेलमेट सहित अन्य उपकरणों की खरीद कर पुलिस, वन निगम, वन विभाग आदि को दे दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे उनका उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन तंत्र को और सक्रिय बनाया जा रहा है। जिले में वनाग्नि पर काबू पाने के लिए संयुक्त टीम का गठन भी किया गया है जिसमें वन विभाग के अलावा राजस्व विभाग के पटवारी व कर्मचारियों को शामिल किया गया है। वनों में आग लगने पर इस टीम से संपर्क किया जा सकता है। टिहरी जिला आपदा
की दृष्टि से संवेदनशील है। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही 2 ड्रोन कैमरे खरीद चुका है। चार धाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में जो हमारा फायर सीजन भी गतिमान है। इसके अलावा अनेक अन्य घटनाएं हो जाती हैं दैवीय आपदाओं के दौरान या मानसून सत्र के दौरान। इस ऐसी आपदाओं के दौरान जो है हमें रेस्क्यू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए उपकरणों का होना हमारे पास बहुत आवश्यक है। इस संबंध में जो है पुलिस विभाग वन विभाग द्वारा हमसे कुछ उपकरणों की डिमांड की गई थी तो हमारे द्वारा इस समय जो है वुड कटर्स और कंक्रीट कटर्स और बॉडी बैग वगैरह चेन पुल्ली वगैरह क्रय किए गए हैं। तो अभी जो संबंधित आपूर्तिकर्ता जो फर्म थी उसके द्वारा हम सभी लोगों को इस समय प्रैक्टिकल डेमो दे रहे हैं ताकि इसका निकट भविष्य में प्रशिक्षण करके इसको यूज करने में कोई इनको दिक्कत ना हो और आपदाओं के दौरान जो है प्रतिवादन करने में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। यीशु मसीह के पुनर्जीवन का पवित्र दिन ईस्टर का पर्व आज देश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। ये पर्व प्रेम, सद्भावना, करुणा और एकता का संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश हमें मानवता के रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। दुनिया भर के चर्चों में इस मौके पर मिडनाइट मार्च का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश और विदेशों में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईस्टर हमारे हृदय में खुशी और धैर्य का भाव जगाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि यीशु की शिक्षा विभिन्न पंथों के बीच भाईचारे और शांति का संदेश देती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि जाति, पंथ या धर्म का भेदभाव किए बिना सभी ईस्टर का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमारे जीवन में शांति और सामंजस्य लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईस्टर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने प्रभु यीशु मसीह के विचारों को आत्मसात करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात कही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी देशवासियों को ईस्टर पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।